हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 1 मार्च 2021 और हम हैं हरिद्वार में अक्षय भाई के साथ। हमने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अक्षय भाई को दिखाएंगे। अक्षय भाई बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, एक शर्त पे कैमरे के सामने आने को तैयार हुए हैं कि हम इन्हें कुछ भी बोलने को नहीं कहेंगे। और आगे हमारी क्या प्लानिंग है वो हम बाद में बताएंगे। इन्होंने इतना सारा नाश्ता बना दिया है, इडली बना दी है और पोहा बना दिया है, चाय वगैरह भी है और शायद कुछ और भी बन रहा है किचन में, पता नहीं क्या क्या है। हमारे एक दोस्त हैं कमल रामवानी, राजस्थान भीलवाड़ा के हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ की राजस्थान की कुछ फूड, मतलब फेमस दुकानों के नाम हमें सजेस्ट किए थे कि नीरज भाई कुछ करो या मत करो हरिद्वार में, लेकिन उस दुकान पर जाके, उन दुकानों पर जाके ये चीज़ ज़रूर ज़रूर खाना। तो अब तो हमें लगता नहीं है कि हम हरिद्वार जाके कुछ खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते, नाश्ता कर लेते, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। देखो जी, असल में कहानी कुछ ऐसी है कि हमारी आज से एक बहुत लंबी यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में हम सिलीगुड़ी और सिक्किम तक तो जाएंगे, हो सकता है कि उससे आगे आसाम या फिर अरुणाचल वगैरह तक भी चले जाएं। कहानी कुछ ऐसी है कि हम अभी परसों विकास नगर से आ गए थे हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन करने के बाद आज हमारी यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। कुंभ की वजह से हम अपनी बाइक से हर की पैड़ी तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि बाइक पे सामान भी बंधा रहेगा, तो हमें बाइक सारा सामान वो सब पार्किंग में या फिर इस तरह लावारिस छोड़ना पड़ेगा, वो हमें ठीक नहीं लग रहा। तो हर की पैड़ी तक तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन गंगा जी के दर्शन करके, गंगा जी को नमस्कार करके हम अपनी इस महायात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा की थीम रहेगी जंगल और नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क आपने देख लिया है, आज हम थोड़ा सा और हिस्सा आपको दिखाएंगे। अगले कुछ दिन रहेंगे हम जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर, उसके बाद जाएंगे यूपी में दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, उसके बाद जाएंगे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर, उसके बाद जाएंगे हम वेस्ट बंगाल में, वेस्ट उत्तर बंगाल में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिनमें से जल्दापारा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, एक दो नेशनल पार्क और भी हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर सिक्किम में जाएंगे, वहाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो कुल मिला के हमारी ट्रिप एक जंगल ट्रिप रहेगी और उसमें आपको जंगल के बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यात्रा हम धीरे धीरे करेंगे, तकरीबन 15 दिन बाद हम पहुंचेंगे सिक्किम। धीरे 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 एकदम स्लो मोशन में हम ट्रेवल करेंगे। तो आज यानी के 1 मार्च को हम निकलने वाले हैं हरिद्वार से, और आज का स्टे होगा हमारा सिल्वर नाम के एक गांव में। सिल्वर नाम का जो गांव है वो है हरिद्वार से 120 किलोमीटर और कोटद्वार से 30-35 किलोमीटर आगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बाउंड्री पे। बाइक जो है हमारी रेडी हो गई है, दोनों तरफ सामान बंद किया है, मैग्नेटिक टैंक बैग हो गया है। ये टैंक बैग बहुत बढ़िया होता है, बाइक की टंकी पे चिपक जाता है, इसमें होती है मैग्नेट, तो बहुत सारा सामान आ जाता है, तो बार बार ये बैग वगैरह भी नहीं खोलने पड़ते। कैमरे वगैरह, रेनकोट, बारिश आ जाए रेनकोट, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। दीप्ति रेडी हो गई है और अक्षय भाई भी हेलमेट लगा। कहाँ जाओगे? पता नहीं कहीं जाऊँगे ये भी। तो हमेशा की तरह सुबह 6 बजे हमें निकलना था, लेकिन निकलते निकलते बज गए 12। चलो ठीक है सर जी, नमस्कार, राम राम, आएंगे फिर कभी। ऐसा है जी, हम घूम रहे हैं हरिद्वार BHEL के अंदर, सेक्टर 5B। ये जो जितने भी है ना, ये जितना भी सबको आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सब क्वार्टर हैं स्टाफ के रहने के लिए। तो यहाँ पे मैं 15 साल पहले 2006 में जब मैंने डिप्लोमा किया था सेकंड ईयर, तो हमें 1 महीने की अप्रेंटिस करनी पड़े थी किसी इंडस्ट्री में। तो मैंने यहीं पे डिसाइड किया कि भाई BHEL में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक रिश्तेदारी थी, तो दूर के ताऊ लगते थे वो, उनके यहाँ पर रह के, वो यहीं पर सेक्टर 5 में क्वार्टर में रहते थे किसी में। तो अभी तो वो रिटायर हो गए, तो हम नहीं तो उनके यहाँ भी चले जाते। तो यहाँ पर इस सड़क पर मैं खूब, मतलब साइकिल से जाया करता था, वो सामने BHEL है और मैं यहाँ कभी पैदल और कभी साइकिल से जाया करता था। तो मैं दीप्ति को दिखाने के लिए थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहा हूँ इधर से। अब उस टाइम तो भाई हमने कोई दुनिया देखी भी नहीं थी, उम्र भी बहुत कम थी, पैसे भी हाथ में नहीं होते थे, तो हमें ये जगह एकदम ऐसी लगती थी कि बस इससे सुंदर जगह, इससे बढ़िया जगह कुछ नहीं है। BHEL हरिद्वार, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 9 रत्न कंपनियों में से एक है जी ये। लेफ्ट में ये स्टेडियम है, स्टेडियम के दूसरी तरफ है शिवालिक की पहाड़ियाँ और राजा जी नेशनल पार्क का जंगल। तो जब हमने घुमक्कड़ी भी शुरू नहीं करी थी, तब से ही हमारा पाला देख लो भाई ऐसी जगहों से पड़ता रहा है। उसके 1.5 साल बाद मैं फिर से हरिद्वार आया, लेकिन BHEL में नहीं आया, यहीं पे सिडकुल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। कंपनी का नाम था स्वर्ण टेलीकॉम। स्वर्ण टेलीकॉम में हमने पहला ब्लॉग बनाया था 2008 नवंबर में। श्री गंगोत्री किसके? हाँ तो नाम भी तो लिखे हुए हैं। अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है इन्होंने पिलर पे। देखो जी, हमारे एरिया में हर एक बच्चे की घुमक्कड़ी शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार सबसे पहले
और उसके बाद नीलकंठ ऋषिकेश का नंबर आता है। तो सबकी तरह मेरी घुमक्कड़ी भी हरिद्वार से ही शुरू हुई है। तो हरिद्वार में देखो जी कुंभ का टाइम चल रहा है और अभी परसों माघ पूर्णिमा का मेला भी लगा हुआ था यहाँ पे, हम तो खैर नहीं आए थे। अगला स्नान होगा 7 या 8 तारीख को महाशिवरात्रि वाले दिन, तब भी हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। 11 को महाशिवरात्रि, दीप्ति बता रही है जी महाशिवरात्रि 11 को है, मेरे दिमाग से उतर जाता है। समुद्र मंथन की पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे, क्या बात है। श्री हरि हरि हरिद्वार, तीर्थ नगरी हरिद्वार। ये है जी गंगा जी की मेन धारा, गंगा जी को नमस्कार है। हे गंगा जी, हमारी यात्रा मंगलमय करना और आशीर्वाद दो कि हम ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करें। अभी तक तो तीस्ता तक ही जाने का इरादा है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम ब्रह्मपुत्र तक भी जाएंगे, चले जाएंगे। फागुन लग गया है और अब शुरू हो गई है यहाँ से कांवड़ियों की यात्रा। यहाँ पे ना हरिद्वार से गंगा जल भर के और अपने अपने स्थानों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने शहरों में ले जाते हैं। एक तो फागुन के महीने में महाशिवरात्रि तक ये लोग अपने घर पहुँच जाएंगे, और एक होता है सावन के महीने में, सावन वाली कांवड़ यात्रा ज़्यादा फेमस है। ये है जी हरिद्वार से नजीबाबाद वाली रोड, इस रोड पे हम 19-20 किलोमीटर चलेंगे गेंडीखत्ता तक। गेंडीखत्ता के बाद फिर लालढांग वाली सड़क पकड़ेंगे और आपको एक नए रास्ते से कोटद्वार लेके जाएंगे। ये नया रास्ता नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से होकर गुजरता है। वैसे तो हम अभी भी नेशनल पार्क के अंदर से ही होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि नेशनल पार्क वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो आपको नेशनल पार्क वाली फीलिंग आए इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और गेंडीखत्ता के बाद लालढांग वाली सड़क पकड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से नेशनल पार्क में बाइक सफारी करेंगे। ये मुड़ गए जी हम गेंडीखत्ता से लालढांग की तरफ। ये सड़क पूरी तरह से नेशनल पार्क के अंदर से होके जाती है और इस पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है अभी तो, ठीक ही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये ख़राब भी मिलेगी। अच्छा ये कुछ पुलिस वुलिस वाले खड़े हैं भाई, बाइक रोकेंगे ये। कुछ ना गया, रोका ही नहीं। पुलिस वाले खड़े हैं और बाइक ना रोकते तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जब हमारे पास कागज़ पूरे होते हैं ना और पुलिस वाले रोकते ही नहीं तो मज़ा नहीं आता। और जैसे ही कोई कागज़ एक आध दिन भी एक्सपायर हो जाए, एक दिन भी, उस दिन तो डेफिनेटली रोकते हैं। अब पता नहीं इन्हें कहाँ से सूंघ लग जाती है, क्या हो जाता है। ये आ गए जी हम लालढांग, चारों तरफ नेशनल पार्क है, सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो भी नेशनल पार्क का हिस्सा है। अभी हमने नेशनल पार्क ही पार किया है और नेशनल पार्क के अंदर ये थोड़ी सी बसावट है, खेत वगैरह है, गन्ने के खेत हैं। अच्छी बसावट है यार, अच्छा खासा कस्बा सा है लालढांग भी, काफ़ी बड़ा है, और इस एरिया में ना कई गाँव हैं। ये रोड जा रही है ना कोटद्वार, लिख रहा है। अबे बंद है ये, बंद है, पता करिए कहाँ खुली है। चल तो लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में एकदम जंगल है, तेंदुआ जो आ जाता होगा ये, जो कुत्तों को और बछड़ों को ले जाता होगा ठाके। अब आगे जी हम प्रॉपर नेशनल पार्क के अंदर, लालढांग से निकलते ये वाली सड़क है और इस सड़क का मतलब है कि हम नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं। पिछले साल जब हम गिर नेशनल पार्क में बाइकिंग कर रहे थे तब भी हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसी सड़क मिली थी, और मज़े की बात यह है कि इस सड़क पे बसें भी चलती हैं लालढांग कोटद्वार के बीच में। कोटद्वार से हरिद्वार जाने वाली कुछ बसें इस रूट से जाती हैं, तो जब तक ये सड़क नेशनल पार्क के अंदर रहेगी तब तक ऐसी ही रहेगी, और हमें फुल फीलिंग आ रही है, फुल फीलिंग नेशनल पार्क की। इसे बोलते हैं बाइक सफारी इन नेशनल पार्क। तो चलिए आनंद लीजिए हमारे साथ बाइक सफारी इन राजा जी नेशनल पार्क। ये हो गया जी जंगल ख़त्म, जा भाई जा। ये बस जा रही है हरिद्वार,
जो कि इसी जंगल से होके निकलेगी और अब मिल गई है हमें अच्छी सड़क। मजा आ गया भाई। एनी भाई नींद आ गई तुझे? अरे यार दीप्ति सो गई है, पता नहीं इसने कितने तेंदुए छोड़ दिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मज़ा आ गया जंगल में बाइक चला के, एकदम से तृप्ति मिल गई, तृप्ति, आत्मा संतुष्ट हो गई। और ये लिखा हुआ है कोटद्वार लेफ्ट में, और हमारा गूगल मैप भी बता रहा है बेटा लेफ्ट में मुड़ ले। तो हम मुड़ते हैं यहाँ से लेफ्ट में। अरे ताऊ कैसे कैसे ला रहा है। सभी लोगों ने अपने घर अपने खेतों के चारों तरफ देखो तारबंदी कर रखी है मजबूत, मतलब उतनी मजबूत तो नहीं है पर मजबूत है। दीवार के ऊपर इन्होंने कांटे लगा रखे हैं छोटे छोटे, कील हैं भाई कील, इतनी इतनी लंबी लंबी, जिससे कि तेंदुआ वगैरह ना जाए। चाय पीनी है तुझे? हाँ दीप्ति को जो भाई चाय पीनी है। कण्व आश्रम, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहां राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। हिमालय की अनंत पर्वतीय श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से उदित पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक तथा बौद्धिक केंद्र था, जहां 10,000 विद्यार्थी कुलपति कण्व के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कण्वाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर एक महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया। ऐसा है जी, स्थान बहुत रमणीक है और मालिनी नदी के तट पे स्थित है। मालिनी नदी हिमालय बर्फीले पहाड़ों से तो नहीं आती है, गढ़वाल से आती है, तो लेकिन इसमें साल भर पानी रहता है, बारिश में ज़्यादा पानी हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस एक ही बगीचा है और अच्छा मतलब ठीक ठाक मेंटेन इन्होंने कर रखा है। यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ योजना है जिसके तहत यहाँ पे आश्रम बनाया जाएगा। महर्षि कण्व की और कुछ भरत वगैरह की, शकुंतला की कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी मुझे ये देख के बड़ा दुख हुआ कि इतना महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है। ये है जी दुगड्डा, कोटद्वार हमने पार कर लिया है। दुगड्डा में कुछ चाय पानी के लिए रुके थे। अच्छा यहाँ से ये रोड जाएगी, लेफ्ट वाली रोड जाएगी नैनी डांडा। नैनी डांडा है यहाँ से 85 किलोमीटर, लेकिन आज हमें नैनी डांडा नहीं जाना है, आज हमें यहाँ से 30 किलोमीटर चल के रुक जाना है। और आपको एक मज़े की बात और बताऊँ, यही रोड फिर आगे नैनी डांडा होते हुए रामनगर चली जाएगी, और इस सड़क का ज़्यादातर हिस्सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से होकर गुजरता है। हम आपको इस ये पूरी सड़क के नज़ारे दिखाएंगे, कहाँ से हम जिम कॉर्बेट के अंदर जाएंगे, कहाँ से फिर बाहर निकल जाएंगे, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारा सब कुछ दिखाएंगे। अभी बजे हैं 5:30, थोड़ी देर में हो जाएगा अंधेरा और हमारी ये वीडियो हो जाएगी समाप्त। तो वीडियो समाप्त हो उससे पहले आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को कर लो सब्सक्राइब। इस जगह का नाम है जी सैंधी खाल। सैंधी खाल जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव। खाल बोलते हैं जी हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में उसे लो एल्टीट्यूड पास को, मतलब कि चढ़ाई और फिर एक पहाड़ी पार करके नीचे उतराई, तो उसे बोलते हैं पास। और जो लो एल्टीट्यूड में होगा उसे कहेंगे खाल। अभी इतना हाई एल्टीट्यूड नहीं आया, मतलब कि अभी तो हम शायद 1000 मीटर भी नहीं आए होंगे, क्योंकि चीड़ भी, अरे वो रहा नाम लेते चीड़ हाजिर, अभी तक चीड़ नहीं था लेकिन नाम लेते चीड़ हाजिर हो गया है। ये देखिए जी जिसका हमें इंतजार था, टाइगर प्रोजेक्ट एरिया बिगिन, सीमा प्रारंभ। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा अब यहाँ से शुरू होती है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, तो अब यहाँ से हम टाइगर के एरिया में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि टाइगर का एरिया है तो टाइगर अपने एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर भी निकलता है, आबादी के एरिया में भी जाता है। तो अभी तक जिस जंगल में हम थे वो भी टाइगर का ही जंगल था, लेकिन ऑफिशियली अब टाइगर का एरिया होता है शुरू। और हम हैं
हम हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, बाइक सफारी कर रहे हैं। शाम के बजे हैं 6, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने से पहले पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। अभी हम 10 किलोमीटर धोटियाल है यहाँ से, धोटियाल तक तो इसी रोड पर जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी रोड पकड़ लेंगे और दूसरी रोड पकड़ते ही हम जंगल से हो जाएंगे बाहर। 10 किलोमीटर तक इसी जंगल के अंदर रहेंगे।